चलो दोस्तों, तो अब हम लोग एंसिबल का अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने एंसिबल के थ्रू AWS में इंस्टेंस वगैरह क्रिएट करने की दो वीडियो तैयार कर ली है। अब उन दोनों वीडियो में जो हम प्लेबुक यूज़ कर रहे थे, राइट, वो कंटेंट वगैरह जो मैं यहाँ पे प्लेबुक के अंदर राइट कर रहा था, अब वो कंटेंट एक्चुअल में आप फाइंड कहाँ से करोगे, है ना? क्योंकि आप कंपनी में बैठ के काम कर रहे होगे, तो ये चीज़ें आप याद थोड़ी करोगे। जैसे ये ना, बड़ी बड़ी प्लेबुक जो है, अब ये किसी को याद थोड़ी होगा, है ना? ये याद तो होगा नहीं कि क्या है कैसा है, तो याद करने की भी जरूरत नहीं है। एनसेबल के अंदर अपने डॉक होते हैं, वहां से निकाल लीजिए, इंटरनेट से भी आप निकाल सकते हैं अगर आपको अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी है। तो देखिए आप यहां से बैठ के कैसे निकालेंगे, एनसेबल डॉक और मॉड्यूल नेम EC2 लिख दें तो आपके सामने पूरा का पूरा आ जाएगा, देख सकते हैं यहां पर। राइट, यहां से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, राइट, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स यहां पे दिए हुए हैं, लिखा भी हुआ है ये एग्जाम्पल क्या कर रहा है। अगर यहां से भी आप पढ़ सकते हैं, और एक और तरीका मैं आपको इंटरनेट बताता हूं, सबसे बढ़िया है यही चीज, ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये सेम डॉक आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। इंटरनेट में आइए और चुपचाप से यहां गूगल में सर्च करिएगा, कुछ नहीं लिखना आपको, क्रिएट EC2 इंस्टांस इन AWS यूजिंग एनसेबल, बस ये वाला लिंक ओपन कर लीजिए। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा और नीचे आइए, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ, देखिए बेसिक प्रोविजनिंग एग्जाम्पल, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, देखिए मॉड्यूल की नेम, इंस्टेंस टाइप, इमेज, वेट, ग्रुप काउंट, ये देखिए। अगला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, एडवांस एग्जाम्पल विथ टैगिंग एंड क्लाउड वॉच, तो कह रहा है अगला एग्जाम्पल टैग के साथ बताया इसने, देखिए यहाँ पर टैग इसने दे दिया, देखिए ये देखिए टैग, और मॉनिटरिंग इनेबल किया, ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इसमें। अगला एग्जाम्पल देखिए, सिंगल इंस्टेंस विथ एडिशनल IOPS वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट एंड वॉल्यूम डिलीट ऑन टर्मिनेट, तो ये अब बता रहा है कि अभी अगला एग्जाम्पल इसने बताया कि इंस्टेंस क्रिएट करने के साथ साथ वो एक वॉल्यूम्स भी एडिशनल क्रिएट करेगा IOPS के साथ। तो देखिए यहां पर इसने बताया ये सारी चीजें सेम है। अब देखिए ये वेट का मतलब क्या, वेट का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप जब का प्लेबुक जब चलता है, राइट, तो मान लीजिए कभी कभी प्लेबुक डेटा कलेक्ट करने में टाइम लेता है, मतलब AWS से डेटा कलेक्ट उसे नहीं मिल पा रहा है ना, आपने कुछ मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर AMI ID डिफरेंट डाल दी है, तो पूरा फाइंड करेगा AWS के डेटा में से, भाई ये AMI ID कहाँ है कहाँ है, तो वेट करेगा वो, और कितने टाइम तक वेट कर सकता है, 500 सेकेंड तक। अगर 500 सेकेंड कंप्लीट होने के बाद भी उसे नहीं मिलता डेटा, तब वो रिस्पॉन्स टाइम आउट कर देता है। तो देखिए यहां पर इसने वॉल्यूम का सेक्शन है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, वॉल्यूम का सेक्शन देखिए यहां पर इसने वॉल्यूम, अब देखिए वॉल्यूम जो ये क्रिएट कर रहा है ये कोई एग्जिस्टिंग स्नैपशॉट से उठा के क्रिएट कर रहा है। वॉल्यूम का टाइप IOPS देख सकते हैं, मेंशन किया इसने, डिलीट ऑन टर्मिनेशन ट्रू कर दिया, राइट, तो ये एग्जाम्पल इसने दिया, आप इसे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल इसने क्या बताया, सिंगल इंस्टेंस विथ SSD GP2 रूट वॉल्यूम, तो कह रहे कि जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो आप वहां पर अपना वॉल्यूम अपने हिसाब से कर सकते हैं, भाई रूट वॉल्यूम SSD GP2 हो फॉर एग्जाम्पल, तो ये चीजें देखिए यहां पर इसने बताया ऐसे। अगला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, मल्टी ग्रुप एग्जाम्पल, मल्टी ग्रुप का मतलब जब आप प्लेबुक राइट करते हैं तो आप क्या प्लेबुक में क्या डिफाइन कर रहे हैं, एक इंस्टेंस क्रिएट हो, तो जब क्रिएट होने के लिए बोलते हैं, तो जब एक इंस्टेंस क्रिएट होता है तो उसे एक सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए होता है। लेकिन आप सबको मैं बता दूं कि हम लोग इंडस्ट्री के अंदर कभी कभी एक सिंगल इंस्टेंस को नंबर ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड करते हैं ना, क्यों ऐड करते हैं वो हमने AWS के टॉपिक में कवर कर रखा है, और AWS के जो बंदे होंगे ये चीजें उन्हें समझ लग रही होंगी। तो अगर आप भी प्लेबुक राइट कर रहे हैं और एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, उस इंस्टेंस को नंबर ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप में अगर ऐड करना है तो ये सिंटेक्स आप फॉलो करिए। देखिए यहां पे इसने बताया एक सिक्योरिटी ग्रुप, दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप, तीसरा एंड चौथा। अब नीचे आइए अगला एग्जांपल देखिए क्या बोल रही है, मल्टीपल इंस्टेंस विद एडिशनल वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट, ठीक है, मल्टीपल इंस्टेंस विद एडिशनल वॉल्यूम फ्रॉम द स्नैपशॉट, तो यहां पर देखिए इसने बताया कि एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, मल्टीपल इंस्टेंस बोले तो 5 इंस्टेंस, अगर आप एक प्लेबुक राइट कर रहे हो उसी कॉन्फ़िगरेशन के नंबर ऑफ इंस्टेंस क्रिएट करना है, जैसे यहाँ पे काउंट 5, तो 5 क्रिएट कर देगा। एडिशनल वॉल्यूम, एक एडिशनल वॉल्यूम क्रिएट करेगा फ्रॉम द स्नैपशॉट, मतलब स्नैपशॉट
देखिए एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है स्नैपशॉट, कोई एग्जिस्टिंग स्नैपशॉट होगा वो यहाँ पे आईडी पास कर दीजिए, देख सकते हैं आप। अब अगला एग्जांपल देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, कह रहे डेडिकेटेड टेनेंसी एग्जांपल, है ना। डेडिकेटेड टेनेंसी का मतलब आप सबको पता है कि जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट शेयर्ड टेनेंसी में जाता है, शेयर्ड हार्डवेयर पे जाता है। तो अगर मान लो आपकी डिमांड आ गई कि भाई मुझे इंस्टेंस बनाना है डेडिकेटेड हार्डवेयर पे, तो फिर आप देखिए यहां पर इसने बताया कि ये देखिए टेनेंसी लिखकर आपको डेडिकेटेड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं, तो ये आप करके देख लीजिएगा। हालांकि आप उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे, मैंने काफी एग्जांपल्स करा रखे हैं, तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला देखिए स्पॉट इंस्टेंस, अब ये बता रहा है कि अगर आपको स्पॉट इंस्टेंस बनाना है तो उसके लिए देखिए क्या पैरामीटर्स ने दिए। सबसे पहले स्पॉट प्राइस, है ना, स्पॉट वेट, टाइम, की पेयर, सिक्योरिटी ग्रुप, टाइप, इमेज, ये देखिए सारा चीज यहाँ पर डिफाइन है। अगला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, देखिए एग्जाम्पल यूजिंग प्री एग्जिस्टिंग नेटवर्क इंटरफेस। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई इंस्टेंस क्रिएट करने जा रहे हैं, राइट, आपके पास ENI बोले तो इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस, ये टर्म्स भी उन्हीं को समझ लग रहा होगा जो बंदे AWS कर रखे हैं। तो मान लो आपने कोई इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, और उस पर आपको कोई एग्जिस्टिंग ENI अटैच करना है, तो उसके लिए देखिए इसने क्या बताया, ये देखिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की आईडी दे दीजिएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। अगला देखिए, अगर आप नंबर ऑफ ENI ऐड करना चाहते हैं तो देखिए एक ENI, दो ENI, क्लियर। अब अगला एग्जांपल देखिए क्या बोल रहा है, लॉन्च इंस्टेंस, रन सम टास्क एंड देन टर्मिनेट। कह रहे हैं ऐसा प्लेबुक राइट करिए कि इंस्टेंस को लॉन्च करे और कुछ टास्क उस पर चले और टास्क चलने के बाद वो इंस्टेंस टर्मिनेट हो जाए। तो देखिए इसने बताया, ये देखिए राइट वेरिएबल उन्होंने डिफाइन किया जो हमने यूज किया था, टास्क उन्होंने देखिए यहां पर राइट, अगला टास्क दिख रही है यहां पर, लूप चलाया उसने, कोई टास्क रन कर रहा, उसके बाद देखिए ये अगला टास्क, उसके बाद देखिए ये देखिए, और लास्ट में जाकर टर्मिनेट कर रहा, देख सकते हैं यहां पर, क्लियर। इसी तरीके से अगला एग्जांपल यहां पर क्या, देखिए स्टार्ट अ फ्यू एग्जिस्टिंग इंस्टांस, रन सम टास्क एंड स्टॉप। कह रहा है फ्यू एग्जिस्टिंग इंस्टांस को स्टार्ट करिए और कुछ टास्क रन करिए और उसके बाद स्टॉप कर दीजिए। तो देखिए यहां पर ये चीजें बताया उसने, वेरिएबल देखिए बनाया, इसके अंदर इंस्टेंस आईडी जो हमने किया था, रीजन को भी वेरिएबल में ऐड किया, फिर देखिए सारी चीजें, लास्ट में जाके देखिए क्या एक्शन ले रहा है स्टॉप का, क्लियर। इसी तरीके से देखिए क्या बोल रहा है, स्टार्ट स्टॉपेड इंस्टेंस स्पेसिफाइड बाय टैग। तो हमने देखा था कि इंस्टेंस को स्टॉप करके हमने देखा था एक टैग के थ्रू, तो देखिए ये एग्जांपल यहां पे पड़ी हुई है, तो यहीं से मैंने कॉपी पेस्ट करके यूज किया था, राइट। लेकिन उस टाइम पर मैंने आपको ये चीजें लाके नहीं दिखाई क्योंकि मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग पावर को इंक्रीज कर रहा था। अब उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से देखिए रीस्टार्ट इंस्टेंस स्पेसिफाई बाय टैग, आप इंस्टेंस को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं स्पेसिफाइड टैग के थ्रू। आगे देखिए क्या बोल रहा है, इन्फोर्स दैट 5 इंस्टेंस विद टैग फू आर रनिंग। तो ये कह रहा है कि देखिए आप 5 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं स्पेसिफिक टैग के साथ, ये उसने बताया आपको, देखिए क्लियर। ऐसे यहाँ पर आइए, ये भी वही एग्जांपल्स कह रहा है, नंबर ऑफ टैग्स, तो आप एक इंस्टेंस जब क्रिएट करते हो तो उसमें नंबर ऑफ टैग्स दे सकते हैं, देखिए इंस्टेंस टैग ये, ठीक है, ये काउंट टैग, आप अगला टैग दे दिए, जस्ट काइंड ऑफ थिंग। तो ये दोस्तों EC2 जो हम एनसेबल के थ्रू AWS में मशीन बनाया था उस पर जो भी कंटेंट मैं यूज कर रहा था वो इस लिंक से मैंने कॉपी किया था। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी फर्दर कभी कंपनी में काम करें या कहीं पर भी आप घर पे प्रैक्टिकल कर रहे हो तो इस डॉक का जरूर इस्तेमाल करें और ये सारे एग्जांपल्स एक एक बार आप करके देख लें, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये EC2 क्रिएट करने वाला टॉपिक हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एनसेबल के थ्रू वॉल्यूम्स कैसे बनाते हैं और उन वॉल्यूम्स को अटैच कैसे करते हैं, डिटैच कैसे करते हैं, वॉल्यूम्स को डिलीट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे अगले वीडियो से। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी।